नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के आपके इस प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे दुख की। शायद आपको लगता होगा कि हर व्यक्ति आजकल दुखी है, कोई खुश नहीं है। यह पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन यह एक तथ्य भी है। हर व्यक्ति आप जिसको देख रहे हैं वो दुखी ही नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रहा है। और जैसे अब तक कहा जाता था कि वह दूसरों की परेशानी के कारण परेशान है, लेकिन अभी हकीकत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, आदमी अब अपनी परेशानी में ही परेशान है। कोई ना कोई विषय उसके सामने ऐसा है जो उसको रात में सोने नहीं दे रहा, और वह दुख में है, सैडनेस में है, ग्रीफ में है। हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे आपको दुख से निकालने का, या आपके लव्ड वंस जो है, आपके जो चहेते हैं, अजीज हैं, उनको उस दुख से निकालने का प्रयास होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से। होम्योपैथी में कारगर दवाएं आती हैं जो आपको सैडनेस या ग्रीफ की कंडीशन से निकाल देंगी। साथियों, पहले जान लेते हैं आखिर ये दुख होता क्या है। दुखी हम सब लोग हैं, लेकिन दुख होता क्या है फिर भी हमको नहीं पता रहता। दुख साथियों एक इमोशन का ओवर रिएक्शन होता है, एक फीलिंग होती है। जब आप किसी अपने को खो देते हैं, या अपनी जो चीज आपको प्रिय होती है उसको खो देते हैं, या कुछ ऐसा होता है जो चाहते हैं आपको नहीं मिलता। वो एक नौकरी भी हो सकता है, वो आपके जो है वो एक पारिवारिक इमोशनल रिश्ते भी हो सकते हैं, एक ऐसी चीज भी हो सकती है जो एक दुकान पे है मान लीजिए। तो जो दुकान पे बात है, कोई सामान है आप नहीं लिए तो आप दुखी हो गए, तो वो वक्त के साथ चला जाता है। 2-4 दिन आप सोचते हो चला जाता है, साहब बड़ी बड़ी अच्छी थी नहीं ली, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन जब आप किसी अपने को खोते हैं, किसी बहुत अजीज चीज को खोते हैं जो आपके पास होती है और आप खो जाते हैं, तो आप दुख में आ जाते हैं। वही ग्रीफ है। ग्रीफ वह स्थिति है कि जब आप का जो चीज आपके पास से चली गई है वो आपको वापस नहीं मिल पाती, और फिर आप उसको सोच के दुखी हो जाते हैं। तो वह जो दुख होता है वह ग्रीफ होता है। जब यह ग्रीफ साथियों काफी वक्त तक बना रहता है, या सैडनेस काफी वक्त तक दुख बना रहता है आपके मन में, तो जो है फिर यह कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो जाता है। और जब कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो जाता है, वो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके लिए होम्योपैथी में दवाएं हैं। आपके दुख को यह दवाएं कम करेंगी, दुख से आपको निकालेंगे और आपको सामान्य जीवन बिताने में मदद करेंगी। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स साथियों दुख में, जब आप दुखी होते हैं तो या तो आप रोते हैं, या आप बेचैन होते हैं, या तो क्राई करते हैं, या एंशियस होते हैं, या फिर आप थोड़े वायलेंट होते हैं, सामान की तोड़फोड़ भी करने लगते हैं, और आप नॉर्मली अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको आवाजें और शोर भी बुरा लगता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस जो है वह होम्योपैथी हो सकती है, और आप होम्योपैथी की दवाई लेके चीज को ठीक कर सकते हैं। कारण साथियों, दुख का कारण जो साइंटिफिक कारण है वो आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। नॉर्मली यह न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे, जो ब्रेन में न्यूरो केमिकल्स आपके सिक्रीट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज आज तक अननोन है। क्या वो आज तक एक साइकैट्री में शामिल हो गया है कि वो सोच है, तो उसका कोई कारण आज तक ऐसा नहीं निकल कर आ पाया है। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको दुख को दूर करने की हमारे पास होम्योपैथिक दवाएं जानकारी में है। हम आपको बताएंगे आपका सैडनेस, दुख या ग्रीफ को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक बात बता दूं साथियों, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं मेंटल स्टेट आपकी क्या हो और आप उसको क्या समझ रहे हो। तो अगर आप एक साइकेट्रिस्ट से मिल लेंगे तो बेहतर है, या होम्योपैथी कुशल चिकित्सक से आप ड्रग को प्रिस्क्राइब करा लेंगे तो बेहतर रहेगा। बताते हैं साथियों आपको आपका दुख ग्रीफ सैडनेस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में जो आपका दुख दूर करने की, दुख हरने की है, वह है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा साथियों बहुत अच्छी दवा है उस दुख की, आपकी सैडनेस की कंडीशन के लिए, कि जब आप किसी अपने को खो देते हैं, या आप जिससे दिल लगा बैठते हैं, जिसको आप चाहते हो
वो आपको नहीं मिल पाता है, धोखा दे देता है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अगर यह स्थिति साथियों है तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा इग्निशिया है। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस कंडीशन में जब आपने किसी अपने को खो दिया हो, यानी आपका कोई अपना इस दुनिया में ना रहा हो, आपने किसी से दिल लगाया हो और वो आपको धोखा देके चला गया हो, या किसी कारणवश वो आपके साथ ना आ पाया हो और आप अपने में खोए रहते हो, अपने विचारों में खोए रहते हो, अपने थॉट्स में खोए रहते हो, तो अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो इग्निशिया हमारा आपकी दवा है। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर एक बार अपने को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपको म्यूजिक सुनते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। मतलब बहुत लोग देखा होगा कि गाना कहीं सुन रहे हैं, कॉन्सर्ट में सुन रहे हैं, रोने लगते हैं कि उनका दुख होता है, ग्रीफ होता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको जो है वहां बहुत दुख महसूस होता हो म्यूजिक की आवाजों से और आप में एक सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो होम्योपैथी में उस सिम्टम को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन बार दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है, खासतौर से महिलाएं। महिलाओं पर ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा सूट करती है। अगर वह फेयर फैक्ट एंड फ्लैबी है और गाना या कुछ सुन के इस तरह का तराना सुनकर उनको जो है रोना आ जाता है, वह दुखी हो जाती है, तो ग्रेफाइटिस आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। ग्रेफाइटिस के पेशेंट साथियों आमतौर पे फियर फैट एंड फ्लैबी तो होता ही, उसमें कब्ज बहुत होती है, कब्जियत की शिकायत होती है। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में समझे तो आप ग्रेफाइटिस का दवा लेके अपने दुख, ग्रीफ या सैडनेस को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, जब आप दुखी होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, तो आप बहुत देर तक रोते रहते हैं। अगर आपको कोई दिलासा देता है तो आप और ज्यादा रोते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आपका दुख थोड़ा पुराना हो गया हो, आपका सैडनेस या ग्रीफ थोड़ा पुराना हो गया हो, काफी वक्त से चल रहा हो और आपको अकेले में रोना आता हो और किसी की तसल्ली आपको और रुलाती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नैट्रन म्यूरेटिकम है। आप नैट्रन म्यूरवानियम की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, हफ्ते में ले सकते हैं। जब आपका मन दुखी हो, ग्रीफ में हो, सैडनेस में हो, आप अकेले में बहुत देर तक रोते हो, किसी का आपको सांत्वना देना अच्छा ना लगता हो, आपको खाने में नमकीन ज्यादा पसंद हो और 11-12 बजे के करीब आपकी तकलीफें बढ़ती हो, अगर यह स्थितियां हैं तो नैटन न्यूर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। आप इसका 3 खुराक लेके अपने को इस परेशानी की, मानसिक परेशानी की स्थिति से बाहर कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के साथ हो सकती है, साथ किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। कुछ लोगों की आदत होती है जरा सा कोई कुछ कह दे वो दुखी हो जाता है। आज के समाज में जीने का तरीका नहीं है, दुनिया है कहती रहेगी। अपने प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, माननीय मोदी जी को, कि हर व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ कह रहा है, उसमें 80% लोग उनको गलती कह रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक पर्सनल हित के लेवल पे मोदी जी का काम एनालाइज कर रहे हैं। उनको क्या नहीं कह रहे आप फेसबुक वगैरह देख लीजिए। तो एक दिन मोदी जी का बयान आता है कि अब मैंने अपने को एक शेल बना के अपने को इससे बिल्कुल मैंने एक इसके लिए सुरक्षा कवच बना दिया है और किसी की बुराई मुझ पर असर नहीं डालती। तो इस मानसिकता में आपको लाने के लिए होम्योपैथी में दवा है। कोई जरा सा कुछ कह दे साहब नाराज हो गए, लड़ने लगे, गुस्सा करने लगे। अगर आप में यहाँ सिम्टम्स हैं तो आप इन सिम्टम्स से निकालने की बहुत कारगर दवा है कोक्यूलस। आप कोक्यूलस 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपको जरा सा कोई कुछ कह दे, आपको जरा सा इंसल्ट कर दे, तो आप 15 दिन दुखी है, 20 दिन दुखी है, 25 दिन दुखी है, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा कोकुलस है। आप कोकुलस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका दूसरों की बात का कहे का आप पे असर नहीं पड़ेगा। कोकुलस चक्कर की भी बहुत अच्छी दवा है, किसी को चक्कर आता हो कोकुलस ले सकते हैं, या फिर किसी को जो गाड़ी में बैठते और उनको वॉमिटिंग उल्टी आती हो तो भी कोकुलस उसकी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों को जो दुख फेस कर रहा है उसके सामने आ सकती है कि उसे फिर अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची और उसे अपने दुख से निकलने का एक विकल्प लगता है, वह है सुसाइड यानी आत्महत्या। तो अगर आप इस स्थिति तक अपने मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं
तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेट 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको सुसाइड करने की इच्छा होती है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहते हैं अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, मैं सारे जतन कर चुका, तो अगर यह फीलिंग आप में है तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ऑरम मेटालिकम है। आप ऑरम मेटालिकम 30 ले और अपनी इस मानसिक स्थिति से निकले, क्योंकि साथियों जीवन अनमोल है। सोचिए आपके माँ बाप ने आपको किस कष्ट से पलाया बढ़ाया होगा, आपकी पढ़ाई कराई होगी, आज फीसें बहुत ज्यादा है लेकिन आज से 10 साल पहले भी फीसें कम नहीं थी, उस समय आमदनी भी कम थी। तो उसके रिलेशन में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कथीडल स्कूल में पढ़ता था लखनऊ में, तो मेरी फीस 90 रुपये थी, महीने की फीस 90 रुपये थी, मतलब टॉप स्कूल था ये लखनऊ का मिशनरी, 90 रुपीज उसकी फीस थी। आज मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस है 3,500 रुपये, जो कि अभी भी बहुत कम है और स्कूल्स को देखते हुए, लेकिन जिस समय 90 रुपये मेरे माता पिता मेरी फीस देते होंगे उस समय उनकी तनख्वाह भी हमारे पिताजी की जो है वो 7-8 हज़ार थी। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने अरमानों से बड़ा करा होगा और आप अपनी थोड़ी सी मानसिक खराब स्थिति के कारण सब खत्म करने की सोच रहे हो। सकता है आपके पीछे परिवार हो, बच्चे हो, तो आप पे 5 लोग डिपेंड हैं, आपके माँ बाप, इनमें से जो भी आपके साथ हो, माँ बाप, पत्नी, वाइफ यानी कि, और मान लीजिए 2 से 3 बच्चे, ये मिनिमम लोग हैं जो डिपेंड होंगे आप पे, और भी जाने कितने लोग आप पे डिपेंड होंगे। तो आत्महत्या करना आपके दुख को खत्म करने का विकल्प नहीं है, बल्कि आत्महत्या करना अपने अजीज लोगों को दुख देने का विकल्प है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको सुसाइड की टेंडेंसी होती है तो आप ऑरम मेटालिकम दवा लें और अपने को ठीक करके अपनी परेशानियों से लड़ें, अपने दुख से लड़ें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने माँ बाप को, चाहे वो इस धरती पे हो चाहे वो ऊपर हो, आपको उनको खुशी देना प्राइमरी महत्व है, क्योंकि जीवन में कोई किसी का नहीं होता, आपके सिर्फ माँ बाप होते हैं जो आपके साथ होते हैं, बाकी सब केवल दिखावा और छलावा है। उसके बाद अगर कोई है तो आपके बच्चे और बीवी है और इसके अलावा फुल स्टॉप लग जाता है। तो मैं बात को थोड़ा लंबा खींच गया लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता था। ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है, यह दवा लेकर आप अपनी सुसाइडल टेंडेंसी जो आपके दिमाग में अपने दुख को लेकर आ रही है उसको खत्म करके जीवन के नए पड़ाव में प्रवेश कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों किसी में आ सकती है कि उसको यह एहसास हो कि वह दुनिया के लिए किसी काम का नहीं बचा और दुखी रहता है, मतलब उसका दुनिया में कोई कोई जो है वह अब स्थान नहीं बचा, वह दुखी रहता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। यह एक स्थिति होती है जो बहुत लोगों में होती है और इस स्थिति को निकालने के लिए होम्योपैथी में दवा भी है और दवा का नाम है ऑरम फोलियाटम। ऑरम फोलियाटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको लगता हो अब दुनिया में वो किसी काम का नहीं, दुनिया उसके लिए किसी काम की नहीं और अब मौत को गले लगा लेना चाहिए। तो ऑरम फोलियाटम आपके रेस्क्यू के लिए आएगी, आपको इस मानसिक परेशानी से निकालेगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। एक स्थिति आती है साथियों की बहुत दुखी है और अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बहुत कमजोरी आ गई है, तो अगर यह स्थिति आपको हो साथियों कि आपको इंडिफरेंस हो, कुछ भी अच्छा ना लगता हो, किसी से बात करना पसंद ना हो और आपको वीकनेस कमजोरी बहुत आ गई हो, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में और आपके दुख को खत्म करने की बहुत अच्छी दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। आप एसिड फॉस 30 दो दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी कमजोरी को भी खत्म करेगी, आपके जो ये समाज से कटे कटापन है इसको भी खत्म करेगी और आपको पुनः मुख्य धारा में स्थापित करके आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है किसी के साथ कि आप बहुत दुखी हो जाते हैं या सोच के कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है, आपका मन इस आशंका से दुखी हो जाता है और आप रोज ऐसी आशंकित रहती है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके मन में आशंका आती हो कि साहब आगे कुछ बुरा होने वाला है, अगर यह फीलिंग या आप में विचार आ रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा प्लम्बम मेटालिकम है।
प्लम्बम मेटालिकम 32 को दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको कि डर हो आगे की बुरी संभावना का, या फिर ऐसी लेडीज हो जिनको कुछ ऐसा मन में एहसास हो, जिन्होंने कभी, या पुरुष हो कि जिन्होंने कभी अनैतिक संबंध किसी के साथ बनाए हैं, सेक्सुअल संबंध किसी के साथ बनाए हैं और अब वह उससे परेशान है, उसे लगता है या कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह दुखी रहता है। तो अगर यह स्थितियां हो तो इस स्थिति में आपको दुख से बाहर निकालने के लिए, ग्रीफ खत्म करने के लिए, सैडनेस खत्म करने के लिए बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। इस दवा को लेकर आप अपने मन को अपने काबू कंट्रोल में करके अपनी समस्याओं से उभर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आज की युवा पीढ़ी में आती है, आमतौर पर देखते हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर बड़े दुखी रहते हैं, उन्हें लगता है फ्यूचर में कुछ नहीं होना है और बहुत दुखी रहते हैं। तो अगर जो अपनी नई पीढ़ी है संसार में, हम लोग की जो नीचे वाली पीढ़ी है, वह इस बात को लेकर दुखी हो, सैड हो कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा, यानी आपके दुख को, अपनी सैडनेस को, ग्रीफ को खत्म करने की बहुत अच्छी दवा एकोनाइट नेप्लस है। आप एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो यह घबराहट और दुख और डर है यह खत्म हो गया अपने फ्यूचर को लेकर आशंकित होने का, और आप अपने को कॉन्फिडेंट बना के अपने करियर के लिए मजबूती से आगे बढ़ सके। तो ऐसे छात्रों बच्चों के लिए दवा है एकोनाइट। आज के मशीनी दौर में साथियों एक बहुत बड़ा दुख का कारण होता है कारोबार का फेलियर। मंदी का दौर है इस समय, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो बदलाव हुआ है एक हिंदुस्तान में नोटबंदी के बाद, अब उसमें जो अडाप्ट कर पाया ठीक है, जो नहीं अडाप्ट कर पाया वो पिस गया। तो लोगों के कारोबार ठप हो गए, जिनका नगद लेन देन के काम थे पैरेलल इकोनॉमी में जो हिंदुस्तान की चल रहे थे, उनको झटका लगा, उनके कारोबार बंद हुए, और कारोबार बंद हुए तो जाहिर सी बात आपको दुख होगा क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में साथियों दुख से आपको बाहर निकालने की बहुत बढ़िया दवा होम्योपैथी में एम्ब्राग्रेसिया और काली ब्रोमेटम। आप यह दो दवाएं यानी एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में और काली ब्रोम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं कि अगर आपको अपने कारोबार में सफलता मिली हो, आपके कारोबारी नुकसान आपको हुआ और उससे आप दुखी और सैडनेस और ग्रीफ महसूस कर रहे हो, यह दवा आपके रेस्क्यू के लिए आएंगी और आपको पुनः इस समाज में अपने कारोबार में पुनः लड़ाई करके स्थापित करने के लिए दिमागी तौर पर प्रेरित करेंगी। एक स्थिति साथी आ सकती है किसी के सामने कि साहब घर में रहते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, बाहर रहते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। कई महिलाएं इसको देख रही होंगी प्रोग्राम को और वह सोच रही होंगी शायद मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ही है। तो अगर वास्तव में ऐसा है उनके साथ तो आप उनको प्लैटिनम मेटालिकम 30 पावर में दे दीजिए। प्लैटिनम मेट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस स्थिति में ली जा सकती है। जब व्यक्ति को घर में रहता है तो बड़ा उदास लगता है, बड़ा बुरा लगता है, और जब बाहर निकलता है सोसाइटी में जाता है, लोगों के बीच जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। सारा दुख खत्म, सारा ग्रीफ खत्म, सारी सैडनेस खत्म। तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस प्लैटिनम मेटालिकम है। आप प्लैटिनम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर इस समस्या से निकाल के खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी होम्योपैथी में, या कहूं कारगर दवाएं थी आपके दुख ग्रीफ या सैडनेस को खत्म करने की। दवाएं साथियों एक प्रयास है आपके दुख को खत्म करने की, आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, और आपको यह समझना पड़ेगा कि दुखी रहने से कुछ नहीं होना। आप दुखी रह के बैठे रहोगे तो क्या जो चीज जहां से जहां उतार के उठा के रखनी है आप रख पाओगे? आपको बच्चों का पालन पोषण करना है आप कर लोगे? आपके कमरे में पलंग पे लेट के दुखी रहोगे? या फिर पुरुष भाई हमारे काम पे नहीं जा रहे हैं, साहब घर में बैठे दुखी होके, तो क्या रोजी रोटी आ जाएगी? तो आपको समझना पड़ेगा कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, इस सैडनेस को कॉम्प्लिकेटेड सैडनेस ना होने दें, क्योंकि वह एक मेडिकल कंडीशन होती है।
अपने को खुश रखें। और सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों से बातचीत करते रहें। देखिए, आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, दिल हल्का होगा, कुछ उनकी परेशानी सुन के भी आप अपने को तसल्ली कर लेंगे। तो आपस में बातचीत कर दायरा रखें, रास्ता कायम रखें। अगर आप यहाँ कर पाएंगे तो आप निश्चित रूप से दुख से बचे रहेंगे और जो थोड़ा बहुत दुख होगा वह खत्म हो जाएगा। ये साथियों जो आपको दवाएं बताई हैं, आपसे निवेदन करूंगा किसी कुशल चिकित्सक से ही पूछ के लीजिएगा, यू अपने आप एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिया उस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपने सवाल को लिख के जो सवाल जवाब देने वाले हैं उनका जवाब पा सकते हैं। यदि साथियों आपको यह प्रयास पसंद लगा हो, आपको लगेगा इन दवाओं से समाज का दुख कम हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके, आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।